इतनी भीषण गर्मी में पौधों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम अपने कई सारे प्यारे प्यारे पौधों को खो देते हैं। ऐसे में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने से सालों साल आपके यहाँ बने रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही सेक्यूलेंट्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है आपके होम गार्डन के लिए। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, वीडियो के अंत तक ऐसी ही तमाम तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्यूलेंट्स 15 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत अच्छे से चलते हैं और इन्हें बस डाइल्यूटेड फर्टिलाइजर चाहिए। स्प्रिंग और समर के ग्रोइंग सीजन में सेक्यूलेंट की बहुत ही फ्लैशी पत्तियां, स्टेम्स और रूट होते हैं। दूसरा ये कि इसकी पत्तियां फ्लैशी सी होती है क्योंकि इनमें वाटर होल्डिंग टिश्यूज होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कभी सेक्यूलेंट्स की पत्तियों को दबाकर देखे ऐसे उंगलियों से, तो उसमें से पानी निकल कर आता है जिसकी वजह से ये भीषण गर्मी में भी सरवाइव कर पाते हैं। तो सबसे पहले चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि वो कौन से सेक्यूलेंट है जो आपके गार्डन में फास्टेस्ट ग्रो भी होते हैं और भीषण गर्मी के वक्त भी सरवाइव करते हैं। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं या आप गार्डन बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं समर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहला पौधा है जेड प्लांट। जेड प्लांट अपने मोटे ब्रांचेस और लीव्स के लिए जाना जाता है। अगर जेड प्लांट को एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिल जाए और ढेर सारा सूर्य प्रकाश, तो ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रो करते हैं। जेड प्लांट फुल सनलाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं अगर इन्हें 4 या उससे ज्यादा की डायरेक्ट सनलाइट मिले तो। इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल और इसे ओवर वाटरिंग से बचाना बहुत जरूरी है, तो ये आपके यहाँ सालों साल चलेंगे। अगला पौधा है जेब्रा हॉवर्थिया का। पौधे पर जेब्रा जैसी धारियों की उपस्थिति इसके अनोखे नाम का कारण है और ये पौधों की दुनिया में आसानी से पहचाना जाने वाला पौधा है। बहुत ही कम वाटरिंग में चलने वाला ये पौधा मिनिमल सनलाइट की रिक्वायरमेंट रखता है। अगर इसे बहुत ज्यादा सनलाइट मिल जाए तो इसकी पत्तियां व्हाइट या पीली हो सकती है। मिट्टी भी इसकी पोरस और सैंडी सॉइल होनी चाहिए जिसमें से पानी तुरंत निकल जाए। बेसिकली वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। ज्यादा ध्यान नहीं मांगता है ये पौधा, बस इसमें डायरेक्ट और ज्यादा सनलाइट को अवॉइड करना है और ज्यादा पानी भी अवॉइड करना है। पानी तभी दे जब इसकी ऊपरी मिट्टी सूख जाए। अगला पौधा जो आप लगा सकते हैं वो है एडीनियम, जिसे डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। एडीनियम बेस्ट आउटडोर पौधा है लेकिन आप इसे बालकनी या टेरेस में भी ग्रो कर सकते हैं। एडीनियम बगीचे में रंग भरने के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। इसके फूल स्प्रिंग और गर्मियों के महीनों के दौरान गुलाबी रंग के खिलते रहते हैं। अगला सेक्यूलेंट पौधा है एचेवेरिया। ये पौधा सबसे ज्यादा लगाए जाने वाले सेक्यूलेंट्स में से एक है। ये अपने गुलाब जैसे आकार और रंग बिरंगी फ्लैशी लीव्स के लिए काफी पसंद किया जाता है। ये एक सदाबहार पौधा है और गर्मियों में फूल देता है। ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस सेक्यूलेंट है जिसमें बहुत ही कम पानी और सिंपल कंडीशंस चाहिए ग्रो होने के लिए। बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाले ये पौधे होते हैं और पत्तियां इनकी बहुत ही मोटी और वैक्सी सी होती है, मोम जैसी होती है। ये सेक्यूलेंट बहुत सारी वैरायटीज में आता है। अगला सेक्यूलेंट है सीडम का। सीडम अपने घने और सॉफ्ट फॉलिएज के लिए फेमस है। इन्हें एक हैंगिंग बास्केट या बड़े गमले में लगाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसके घने मुलायम ट्रेल बड़े होने पर भारी हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिखता है। रंग बिरंगे गोल मटोल छोटे छोटे लाल सिरे वाले पत्ते जो जेली बीन्स की तरह दिखते हैं, इस सबका फेवरेट बनाते हैं। अगला सेक्यूलेंट आप लगा सकते हैं क्रेसुला का। क्रेसुला एक समर सेक्यूलेंट पौधा है जो ड्राई और फुल सनलाइट की लोकेशन पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये पौधा कटिंग से बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। अगर इसे बहुत ज्यादा सनलाइट मिले तो इसके हल्के हरे पत्ते जलते हुए लाल रंग की तरह हो जाते हैं जिससे जलती हुई झाड़ी का आभास होता है। हालांकि
क्रेसुला पौधा बहुत ही लचीला होता है और बहुत ही अच्छे से गर्मियों का सामना कर सकता है बिना गले या सड़े। लेकिन अगर इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए बहुत ही अच्छे ड्रेनेज होल और सेक्युलेंट सॉइल मिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्युलेंट के लिए जो सॉइल मिक्स होती है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सेक्युलेंट पौधा आप लगा सकते हैं अगेव का। अगेव एक बहुत ही हार्ड एवरग्रीन पौधा है जिसकी मध्यम दूरी पर स्थित कांटों के साथ सीधी पत्तियां होती है। ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाले पौधों में से एक है और आपने बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो जिनके पास टाइम नहीं है गार्डनिंग के लिए लेकिन फिर भी गार्डनिंग करनी है तो ये पौधा जरूर से लगा सकते हैं। अगला सेक्युलेंट पौधा है स्नेक प्लांट। बहुत ही बड़ा और फेमस स्नेक प्लांट की पत्तियां टेपर्ड होती है, आपने देखा होगा। इसके किनारों पर क्रीम पीले रंग की बॉर्डर्स होती है जो किसी भी सेक्युलेंट पौधों से अलग बनाती है। ये पौधा हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है और इसे ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये 8 पौधे आपको जरूर पसंद आए होंगे। यदि आप सेक्युलेंट ग्रो करना चाहते हैं तो ड्राई टॉलरेंट वैरायटीज को सिलेक्ट कीजिए तो इसके सर्वाइवल बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। कोई भी सेक्युलेंट लेने से पहले इसकी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, उसकी वैरायटी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। बहुत ही कम रिक्वायरमेंट में ग्रो होने वाले ये पौधे प्रॉपर सर्कुलेशन, अच्छे ड्रेनेज होल और पार्शियल शेड और अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी इनके लिए बहुत ही जरूरी है और ये पौधे आपको स्टनिंग लुक से आश्चर्यचकित कर देंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके गार्डन में कौन कौन से सेक्युलेंट्स है या आप कौन से और सेक्युलेंट ग्रो करना चाहते हैं या उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।